हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मुझे स्केच करने का मन कर रहा था, तो मैं फटाक से अपने टेबल के पास आ जाता हूँ। जब टेबल के पास आया तो मुझे पता चला कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं है बनाने के लिए। कोई बात नहीं यार, मैं फिर भी अपना स्केच बुक निकाल लेता हूँ। ये जो स्केच बुक है ये डोम्स का है, जो कि 150 GSM का है और इसका साइज़ जो है 3 है। तो मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप कर लेता हूँ और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस, तो आउटलाइन ड्रॉ हो चुका है। अब जो फर्स्ट लेयर होता है उसमें लाइट पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, जो कि मैं अभी HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और जो डार्क एरिया होते हैं आप थोड़ा पेंसिल को प्रेशर के साथ थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, जिससे डार्क एरिया में हल्का डार्क हो। तो मैं जल्दी से फर्स्ट लेयर को कम्प्लीट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है ब्लेंड करने का। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग कस्टम पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लेंडिंग कस्टम पेपर नहीं है तो आप टिशू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टिशू पेपर भी ना हो तो आप मेकअप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, तो ब्लेंड होने के बाद उतना डार्क नहीं लग रहा है, तो मैं डार्क के लिए चारकोल पाउडर का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास चारकोल पाउडर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, मैं मजाक कर रहा था। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल। अगर आपके पास चारकोल पाउडर नहीं है तो आप उसके जगह पे 4B, 6B, 8B या 10B, आप अपने डार्क के हिसाब से आप जो भी पेंसिल यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं।